ब्लॉग बाजार के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हो ब्लॉग बाजार की एक और फ्रेश वीडियो। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं विंडशील ग्लास एक्सपर्ट पे। जो भी लोग अपनी कार के लिए फ्रंट और रियर क्वार्टर पैनल का, आपका डोर्स का, किसी भी चीज़ से ग्लास अगर ब्रेक हो चुका है और वो देख रहे हैं कि हाँ मुझे जो है बढ़िया और बेस्ट क्वालिटी में जो है ग्लास लग जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो भैया आर्यन भैया हमारे साथ हैं और वो पूरी डिटेल जो बता देंगे कि कौन कौन गाड़ियों में वो डील करते हैं, किस किस तरीके से प्रोसेस रहता है। तो आर्यन भैया एक बार मेरे व्यूअर्स को जरूर बताएं। सर, हमारे पास जितने भी ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स होते हैं, ठीक है ना, कार होते हैं, बसेस होते हैं, ऑटो होते हैं, ठीक है ना, ट्रक्स होते हैं, प्रीमियम कार, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्शे, जगुआर, सारे मतलब जितने भी आपके व्हीकल्स हैं सब में डील करते हैं। जितने भी ग्लास रिलेटेड कोई भी इशूज हो, ठीक है ना, फ्रंट ग्लास हो, विंडशील बोलते हैं उसको, बैक ग्लास को बैक ग्लास डिफॉल्ट बोलते हैं, विंडोज ग्लास होते हैं, वो सारे डील करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के डेट में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जस्ट गिव मी अ कॉल, ठीक है ना, आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। अरे कोविड की वजह से हम नहीं चाहते कि कस्टमर को घर से बाहर निकलना पड़े, ठीक है ना, हम उनको फ्री होम सर्विस देते हैं। हमारे पास अभी देखो, जैसे आप देखोगे हमारे पास बहुत कार गाड़ी है, मर्सिडीज V12, ठीक है ना, जो भी प्रीमियम कार्स होते हैं ना उसके ग्लासेस इंडिया में नहीं बनते, ठीक है ना, उसके हम इंपोर्टर हैं, ठीक है ना, पूरे दिल्ली NCR में हम ही इंपोर्ट करते हैं। अगर आप ग्लासेस नहीं लगवाते हो तो वो ग्लास हमारे ही गोदाम से जाना है। तो एक चीज़ मैं लोग को जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपको जितनी भी लग्जरी प्रीमियम आपकी गाड़ियाँ हैं, अगर आप चाहते हो कि हमको कहीं बाहर ना जाना पड़े और हम जो है घर पे होम सर्विस ले लें, तो पूरे दिल्ली NCR में जो है, कहाँ NCR में, मतलब कुछ रीजन है पूरे दिल्ली NCR में, मतलब फरीदाबाद हो, पलवल हो, सब जगह। और अगर मैं UP साइड की बात करूँ, सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गाजिया, सब जगह। तो यानी कि आप सब जगह जो है गाड़ी के जो ग्लास है वो अवेलेबल है। सो देखते हैं, अभी जो है हमारे पास मर्सिडीज और स्विफ्ट जो है वो अवेलेबल है। स्विफ्ट पे काम चल रहा है, इसकी वीडियो आप देखने वाले हो, मर्सिडीज पे भी काम चलने वाला है, तो इसके साथ ही साथ वीडियोज मैं आपको दिखा दूंगा। दोनों को मैं आपको वीडियोज आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका जो है स्विफ्ट पे काम हो रहा है और किस तरीके से मर्सिडीज में काम हो रहा है। तो देखते रहिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, जो आप देख सकते हो मर्सिडीज़ का जो है काम स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो जो ये बीट जाती है, जो पूरी आपका रूफ़ तक जाती है, इस बीट को जो है वो ओपन किया जाता है। उसको ओपन करने के बाद जो है वो ग्लास को निकाला जाता है, जिसमें कि हमारे वाइपर्स और आपका जो प्लास्टिक पार्ट है ये पूरा निकलता है। तो देखते हैं किस तरीके से रहता है प्रोसेस और उसके बाद देखते हैं किस तरीके से ग्लास जो है रिमूव होता है। तो देखते रहिए भैया, जो है वो अभी लगे हुए हैं। तो विशाल भाई जो है वो दूसरी आपके मर्सिडीज़ पर लग चुके हैं, तो सेम एज इट इज़ जो है नट निकाला है, अभी वाइपर जो है निकलेंगे और ये जो प्लास्टिक पार्ट निकलने के बाद जो है ग्लास जो है वो चेंज हो जाएगा।
तो विशाल भाई सेम एज इट इज, जैसे स्विफ्ट का आपने बताया उतना ही टाइम आधा घंटे करीब के करीब इसमें लगता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, मिनिमम 1 घंटा, इसमें 1 घंटे करीब करीब लग जाता है, यानी कि जितनी भी लग्जरी गाड़ी है उसमें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि सफाई से और तरीके से काम करना पड़ता है ना पूरी गाड़ियों में, सेंसर वगैरह होते हैं, हीटेड ग्लास होते हैं, ठीक है। कैमरा देख सकते हो, जो ये जो आप देख सकते हो ये विशाल भाई यूज़ कर रहे हैं, तो विशाल भाई क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ये? वाइपर निकालने के लिए, काफ़ी टाइम बाद जंग लग जाता है इसके अंदर तो टूट ना जाए इसलिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा, तो ये बेसिकली जो है वो आपकी लग्जरी गाड़ियों के लिए यूज़ किया जाता है, महंगा पार्ट होता है, ये टूट गया तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहीं से सारे सेंसर्स वर्क करते हैं इसीलिए, ठीक है। वैस भैया जो है वो भी ये जो आपका रियर मिरर जो होता है वो आपका निकाल रहे हैं, जो रियर व्यू मिरर होता है आपका, और इसको पूरे तरीके से निकाला जाता है ताकि इसमें जो सेंसर होते हैं वो प्रॉपर वर्क करे। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, विंडशील्ड ग्लास एक्सपर्ट जो है वो डील करता है विद ऑल दिस गाड़ी जो आप देख रहे हो, जितने भी कार्स हैं, ये ऑडी मर्सिडीज़ सारी कार्स में डील करता है। इंश्योरेंस अगर किसी को कराना है तो इंश्योरेंस के लिए भी आप आ सकते हो, और क्लेम अगर लेना है ग्लास के साथ तो वो क्लेम भी जो है वो आप ले सकते हो। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आपको गाड़ी के ग्लासेस चेंज कराना है, चाहे वो फ्रंट है, चाहे आपका वो बैक का ग्लास है, या फिर आपका जो क्वार्टर पैनल के ग्लासेस होते हैं, कोई भी किसी तरीके की गाड़ी का ग्लास है वो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाता है। तो एक बार एड्रेस और नंबर आप देख सकते हो, और इग्नोर करना क्योंकि मैं एकदम रोड के एकदम साइड में हूँ तो बहुत ज़्यादा साउंड आपको आ रहा होगा, नंबर एक बार आप चेक कर सकते हो, और इस नंबर पर आप डायरेक्टली भैया को कॉल करो, आर्यन भैया मिलेंगे आपको यहाँ पर, और ये आपकी जो है कार्स आप देख सकते हो, मोस्टली सारी कार्स के आपको अवेलेबल रहते हैं। और अभी जो है हम लोग करने वाले हैं ये स्विफ्ट का ग्लास चेंज होने के लिए आया हुआ है, और इसके बाद फिर देखते हैं किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है गाड़ी चेंज, किस तरीके से ग्लास चेंज होता है, सो देखते रहिए। तो गाइस रहता है इस तरीके से प्रोसेस, और ये इस तरीके से वायर जो है यहाँ डाली जाती है, एक वहाँ से भैया खींचते और एक यहाँ से खींचते हैं ताकि जो कटिंग है वो इस तरीके से जाए। और अब जो है विशाल भाई जो है वो अंदर जा रहे हैं। क्या हम लोग कंपनी की यूज़ करते हैं या लोकल जो है मार्केट में काफ़ी सारी अवेलेबल? ऑथराइज सीलेंट यूज़ होता है, सैन गोविंद आप देख सकते हो, नॉट ठीक है। इसकी एक की कॉस्टिंग में दिखाता हूँ आपको, 1286 रुपये का है, ठीक है, एक की कॉस्टिंग। इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं AIS का सीट का सील यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास वाइपर्स के भी पूरे रेंज है, ठीक है, कंपनी का वाइपर है, ठीक है। तो गाइस मैं एक बार दिखाया था आपको कि जो वाइपर्स हैं वो देखिए ये हैं, और सारे ग्लासेस जो हैं यहाँ रखे हुए हैं, तो अगर वाइपर लगवाना है वो भी लगवा सकते हैं। तो गाइस देखो ग्लास रहने वाला ये, जिसमें कि ये है प्रॉपर जहाँ पे सेंसर्स काम करते हैं और सेंसर्स लगते हैं, तो ये वाला वो पार्ट रहने वाला, और पूरा ओरिजिनल ग्लास है ये। तो गाइस काम चल रहा है, जो ओरिजिनल ग्लास है वो वहाँ पड़ा हुआ है, क्लीनिंग चल रही है, क्लीनिंग के बाद जो है वहाँ पे पेस्टिंग की जाएगी। सो भैया जो है वो हमारे साथ हैं, और AIS और सेंट गोबिन जो ओरिजिनल ग्लासेस होते हैं
वो आपका किस तरीके से है, क्या क्या कंपनीज और जो आती हैं। तो भैया हमारे साथ हैं, सो आर्यन भैया जो है वो एक बार इंट्रोड्यूस ज़रूर कराएंगे कि भैया किस तरीके से क्या रहता है आपका। सर देखो सर, हमारे पास क्या है ना सर, कि हमारे पास में जो OEM ग्लासेस होते हैं ना, ठीक है, लग्जरी गाड़ी होती है उसमें OEM ग्लास लगते हैं, जैसे मर्सिडीज़ का लोगो हो गया, ऑडी का लोगो हो गया, BMW का लोगो हो गया, जगुआर का लोगो हो गया, ठीक है, वो ग्लासेस ना बहुत कॉस्टली आते हैं, ठीक है, लाख लाख रुपये ग्लास आते हैं, डेढ़ लाख रुपये ग्लास आते हैं, ठीक है, हमारे पास सारे ग्लासेस अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रीमियम गाड़ी, हम लोग मेनली डील करते हैं प्रीमियम कार्स में सर, प्रीमियम कार्स के ग्लासेस में डील करते हैं, ठीक है ना, हमारे पास सारे ग्लासेस अवेलेबल होते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं सर, जर्मनी से हमारा ग्लास इंपोर्ट होकर आता है, ठीक है ना, ठीक है। अगर आप अपना ग्लास इंश्योरेंस में चेंज कराना, सिर्फ आपको 2,000 रुपये पे करने हैं, अपना फाइन चार्ज होता है वो, ठीक है ना, आप पे करेंगे आपका ग्लास चेंज होगा, ठीक है। यानी कि देखो सर, सबसे बड़ी बात क्या होता है ना सर, कि ग्लास के साथ जो मेनली काम होता है ना, वो सीलेंट का काम होता है, ठीक है, जिससे ग्लास चिपकता है। हम जो सीलेंट प्रोवाइड करते हैं ना, अगर आप ऑथराइज में लेके जाएंगे तभी आपको वो सीलेंट मिलेगा, ठीक है। लोकल मार्केट में क्या होता है, चाइनीज सीलेंट्स, चाइनीज ग्लासेस वगैरह आते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, ग्लास तो लग जाएंगे आपके, लेकिन 2-3 महीने बाद ना वो लीकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। हमारी ना सर उसकी पूरी वारंटी होती है, वारंटी कार्ड होता है सर, ठीक है। हमारे पास जो ग्लासेस अवेलेबल होते हैं वो ASAI के ग्लास होते हैं, AIS के, सेंट गोविन के सीलेंट जो होते हैं, वो सीलेंट के सेंट गोविन के सीलेंट होते हैं, ठीक है ना, और ASAI के सीलेंट होते हैं, बस यही दो ही कंपनियां यूज करते हैं, ठीक है। आप अगर ऑथराइज में जाओगे तो ये आपको दो कंपनियां मिलेंगी सर, ठीक है सर, उसकी पूरी वारंटी होती है, वारंटी कार्ड होता है सर। बड़ी बड़ी कितनी भी गाड़ियां हैं, प्रीमियम कार्स हैं, मर्सिडीज, BMW, जगुआर, लैंड रोवर, सारे के ग्लास आप चेंज करवा सकते हो सिर्फ 2,000 रुपये में। हमारे पास सिर्फ 5,000 देना पड़ता है और कुछ नहीं। होम सर्विस आप जहाँ बोलोगे, दिल्ली NCR में, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, हर जगह अपना सेंटर है सर, आपके होम सर्विस पे काम हो जाएगा, जो भी गाड़ी का ग्लास लगाना है, ठीक है। सो आर्यन भाई एक चीज़ और बताओ, कि जितने भी दिल्ली NCR में ग्लास वाले बैठे हैं, क्या सबका ग्लास आपके यहाँ से ही जाता है, या वो लोग अपना यूज़ करते हैं, या फिर क्या होता है ना, जो प्रीमियम कार्स होते हैं ना, इंडियन गाड़ी के जितने क्लासेस हैं वो हाँ। तो कंपनियां सप्लाई करती हैं सब, ठीक है, ठीक है ना। प्रीमियम कार जैसे होगा, जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ठीक है ना, अगर आप, क्योंकि हम ही इंपोर्ट करते हैं वो गाड़ी के क्लासेस, तो आप कहीं भी अगर लगवाओगे ना तो वो मेरे ही गोदाम में जाना है। अच्छा, तो यानी कि वो आपके यहाँ से ही जाएगा। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग पे भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, अगर आप मेरे से डायरेक्ट लेते हो तो आपको कुछ कॉस्टिंग सस्ता पड़ेगा, अगर आप दूसरे के थ्रू लेते हो तो वो तो अपना मुनाफा जोड़ के ही बजेगा। करेक्ट करेक्ट। और सबसे बेस्ट पार्ट जो आपने बताया कि होम सर्विस आपके अवेलेबल है ऑल ओवर, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री होम सर्विस, फ्री वैक्यूमिंग। अगर आप कहीं भी मार्केट में करवाते हो गाड़ी का वैक्यूम, अगर कोई बंदा करेगा तो आपसे 200+ GST लेगा, ठीक है, हमारे यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो भैया लोग जो है वो आपका वैक्यूम के साथ जो है वो आपको सर्विस देते हैं, तो वैक्यूम जो है वो होम सर्विस में भी अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है सर, बिल्कुल अवेलेबल, बिल्कुल अवेलेबल है। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में ग्लासेस जाते हैं, टूल्स जाते हैं, वैक्यूम जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, एक्सपर्ट टेक्नीशियन है हमारे पास, जितने भी बंदे काम करते हैं वो कम से कम 25-25 साल 20-20 साल एक्सपीरियंस बंदे हैं, ठीक है, गाड़ियों ग्लासेस लाइन पे, ठीक है ना। इवन कि हमारे पास जो अच्छे अच्छे गैराज वाले हैं ना, वो बंदा हमसे हायर करते हैं ग्लास लगवाने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक क्वालिटी जो है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्वालिटी की। तो मैं सर ये बात कह सकता हूँ आपको, कि अगर कोई भी बंदा ना मेरे साथ एक बार जुड़ता है ना, तो इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो दूसरे जगह ना कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही नाम याद रखेगा, RM7042420100, ठीक है ना, बस एक ही नाम याद रहेगा। एक बार अगर कोई विजिट करे और उसका दूसरी बार वो जाके दिखा दे बंदा, तो मैं आप जो बोलोगे मैं हार जाऊँगा, ठीक है। तो आनंद भैया जो है उनके फ़ोन रेगुलरली बजते रहते हैं, वहाँ पर जो है गाड़ी का काम हो रहा है आप देख सकते हो, और बैक टू बैक जो ये देखिए आप, अभी एक ये आपका इको जो है वो आ गई है, इससे पहले स्विफ्ट है जो ऑलरेडी आप देख चुके हो, मर्सिडीज़ पे काम जो ऑलरेडी हो रहा है। सो भैया के पास रेगुलरली डेली की डेली 20 से 25 गाड़ियां जो हैं वो रहती ही रहती हैं। सो जहाँ तक जो क्वालिटी का हिसाब है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कहीं से भी लगवा लो, वो क्वालिटी और वो चीज़ आपका जो है ना दे पाए इंश्योरेंस। अब जैसे विशाल भाई को मैं अगर बताऊं, तो विशाल भाई जो है वो पेस्टिंग कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो ऑलमोस्ट जो है पेस्टिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, विशाल भाई वहाँ लगे हुए हैं, और दूसरे भाई जो है वो पेस्टिंग कर रहे हैं, तो पेस्टिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है फाइनल जो इस पर आएगा वो आएगा आपका मिरर, और मिरर के बाद जो है किस तरीके से जो फिटमेंट होगी वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। तो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, और बैक टू बैक जो गाड़ियाँ ये देखिए, ऑलमोस्ट एक गाड़ी जो है वो इको आ गई है, जिसका पीछे का आपका जो ग्लास वो टूटा हुआ है। सो हार्डली जो है इन गाड़ियों में आधा घंटे के करीब करीब लगता है, इन गाड़ियों में जो है ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि हमको सेंसर्स का भी ध्यान देना पड़ता है, हमको पेसिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है। देख सकते हैं गाइस आप लोग, और देखते रहे इसी वीडियो को, वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, कि आप लोग जो है ऑल ओवर दिल्ली NCR में अगर आप देखते हो, और बहुत जल्दी भैया स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आपको सर्विस मिले, और दिल्ली NCR में तो जो है भैया का जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जो जितने भी लग्जरी सेगमेंट की कार्स की जो आपके विंडशील्ड होते हैं वो भैया के यहाँ से ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मार्जिन प्लस आपका जो आपका कॉस्टिंग होती है वो किस तरह कितना फ़र्क पड़ने वाली है, और जो भैया ने भी आपको बताया कि 2,000 रुपये आप सिर्फ दो
और रेस्ट आपको जो है पूरा, अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल चार्ज देना है और आपका जो है विद इन वन आवर के अंदर अंदर गाड़ी आपकी एकदम फ्री हो जाती है। तो देख सकते हैं गाइस, सेंसर जो है वो यहीं पे लगा रहे हैं ताकि बाकी बाद में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, यहीं से लगा के डायरेक्टली हम उसको जो है पेसिंग कर देंगे। तो जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है, अब जो है वो सीधा ग्लास जो है वो लगना है गाड़ी के ऊपर। तो गाइस देख सकते हो जो ब्रांड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपका ब्रांड है ये मर्सिडीज़ का जो लोगो है वो यहाँ दिया हुआ है और सेंट गोमेन जो है वो आपकी कंपनी है और जो गाड़ी के साथ लग के आता है वही मिला, जो गाड़ी के साथ आपका लग के आ रहा है, विशाल भाई जो बता रहे हैं जो गाड़ी के साथ लग के आता है वही है। अगर आप ये इम्पोर्टेड लगवाओगे तो ये लोगो नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ओरिजिनल लगवाते हैं कोई भी शीशा तो उसमें आपका कंपनी का लोगो जो है वो ज़रूरी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मर्सिडीज़ का अगर आपने लगवाया तो मर्सिडीज़ का लोगो जो है वो यहाँ पे ज़रूर होगा और सेम एज इट इज़ जो मैंने आपको बताया। देखिए टेपिंग जो है वो यहाँ पे है आपका विशाल भाई ने जो है कर दिया है और अब उस साइड में जो है वो प्रोसेस जा रहा है। फाइनल चेक जो है वो भैया कर रहे हैं, कनेक्शन वगैरह देख सकते हैं जो इंटीरियर के जो कनेक्शंस हैं वो भैया जो है अभी कर रहे हैं, जो सेंसर्स के थे क्योंकि जो हमने उसको कनेक्शंस को निकाल दिया था वो भैया ने फिट कर दिया और फाइनली जो है ये जो बॉक्स है ये उस पर फिट कर देंगे। उसके बाद जो फाइनल प्रोसेस जाएगा वो जाएगा ये बीटिंग का और आप देख सकते हैं विशाल भाई जो है वहाँ पे बीटिंग जो है वो लगा रहे हैं। और अब ये दूसरे साइड की जो बीटिंग है वो जा रही है। पूरा स्नग फिट किया जाता है तो पूरा आपको जो है गेट के साथ देख के चलना पड़ता है कि हाँ वो आगे पीछे ना हो जाए। तो इस साइड की भी फिटिंग जो है वो इजी हो चुकी है, अंदर से भाई ने फिटिंग कर दिया है। तो ऑलमोस्ट गाड़ी जो है वो रेडी है, बस अब सिर्फ और सिर्फ इसके वाइपर का और जो आपका आगे का फॉल्ट ऑफ जो रह रहा है उसका जो जो पार्ट है वो बस फिटिंग करने है, उसके बाद जो गाड़ी पूरी रेडी है। और सर एक घंटे का टाइम, अगर किसी को भी ग्लास चेंज कराना तो एक घंटे का टाइम लगता ही लगता है फॉर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट्स की कार्स के लिए। तो ये कार जो है वो रह चुकी है कम्प्लीट।
सो गाइस करते हैं वीडियो को एंड, और एक बार भैया अपना यहाँ का एड्रेस जरूर बता दो किस तरीके से यहाँ पर बनता है। एड्रेस है शॉप नंबर 3/1, आप किसी से पूछ लो, छोटी सब्जी मंडी बहुत फेमस है जनपद में, तिलक नगर का ओवर ब्रिज उतरते ही है मेन रोड पे 531 नंबर मेट्रो पिलर पे आएंगे ना, आप बोर्ड देख जाएंगे विंसिल ग्लास एक्सपर्ट का, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं सर कि हमारे ना पूरे दिन क्लेम कर रहा है सर, आप देखेंगे किस तरह से पेपर में यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं, तो पूरे दिन में इतने काम होते हैं क्लेम के सर की टाइम भी नहीं मिल पाता कि इसको ठीक करो, जाते समय इंडो करके ये ठीक करके चले जाएंगे, ये चीज़ है। मोस्टली हमारे पास अगर पूरे दिन में 50 गाड़ी करते हैं तो 48 गाड़ियाँ क्लेम की होती है, कैश में बहुत कम लोग कराते हैं प्रेफर करते हैं क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत कम पैसे में उनका काम हो जाता है। कमर्शियल गाड़ियाँ हैं 500 रुपये में ग्लास चेंज जाता है कमर्शियल गाड़ियों की, छोटी गाड़ियाँ हैं 1000 रुपये में ग्लास चेंज जाता है, बड़ी गाड़ियाँ मर्सिडीज BMW 2000 में, जिसकी ग्लास 7 लाख रुपये का आते हैं 2 लाख रुपये आते हैं, हम उनका काम 2000 रुपये में कर सकते हैं। यानी कि इंश्योरेंस में जो भी बंदे जो है इंश्योरेंस में अगर क्लेम लेना चाहते हैं भैया को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर जो है कंटिन्यूसली जो है वो मैं फ्लैश कर रहा हूँ भैया, मेरा नंबर है 7042420010, बेस्ट कोटेशन मिलेगा आपको। अगर किसी को इंश्योरेंस रिन्यूअल पॉलिसी पे अगर रिन्यू कराना हो तो मार्केट से चीप एंड बेस्ट में रेट में आपको रिन्यूअल का प्राइस मिलेगा, आप रिन्यू भी करवा सकते हैं। इंश्योरेंस करेक्ट, तो भैया को एक चीज़ मैं बता दूँ, RN भैया जो है ग्लास में तो डील करते ही करते हैं, साथ ही साथ क्लेम के साथ साथ आपका इंश्योरेंस में भी जो है वो डील करते हैं, आप रिन्यू कर सकते हो बहुत इजी तरीके से भैया को कॉन्टैक्ट करो। बड़ा चीज़ है होम सर्विस आपको मिल जाएगा किसी भी चीज़ की, अभी देखो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कोविड का टाइम है, घर से निकल रहे डरने के डर करते हैं, हम जो है ना बिल्कुल फ्री होम सर्विस देते हैं कस्टमर को एज फार एज विंडशील्ड रिप्लेसमेंट इज कंसर्न और पॉलिसी रिन्यूअल इज कंसर्न। तो अगर किसी को जो है वो अगर घर में ग्लास चेंज कराना तो आप फ्री बिल्कुल बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप देख सकते हो कि दिल्ली NCR में कहीं पर भी अगर आपको ग्लास चेंज कराना है आपको घर पे होम सर्विस दी जाएगी। सो भैया को कॉन्टैक्ट करो और इसी तरीके से भैया को प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और देखते रहो। थैंक यू सो मच।